तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वॉल्ट्स टीनी कैलकुलेटर का, जिस कैसियो जो मुझे कुल 90 रुपीज़ का पड़ा। मैंने इसे सेल में ख़रीदा है फ्लिपकार्ट के परचेज में। दोस्तों अभी मेरी एक और वीडियो अभी रिलीजी ओप्पो F7 की, तो प्लीज़ उसे देखें। दोस्तों इसकी साइज ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी साइज है। दोस्तों देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का बॉक्स है। तो चलिए अभी हम इसको काटते हैं, मेरा मतलब खोलते हैं। इस बार लेकिन फ्लिपकार्ट पे पैकेज पे फ्लिपकार्ट अलग तरीके से लिखा हुआ है। बॉक्स भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटा है। एक बबल सीट, इसको हटाते हैं। अभी तो चाकू है जिससे मैंने इसको कट किया। अभी ये कैसियो का आपको डिब्बा वहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले डिब्बा को बाद में छोड़ते हैं। पहले देखते हैं कि बिल पे कितना GST लगा, कितना टैक्स लगा। तो दोस्तों 90 रुपये में हमें कुल, मेरे ख्याल से अच्छे से नहीं फोकस कर पा रहा होगा कि मेरे मोबाइल से कर रहा हूँ, तो उतना कुछ खास तो नहीं होगा अनबॉक्सिंग वीडियो। दोस्तों मेरी ऑडियो क्वालिटी पता है आपको ख़राब लगती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरे पास कोई माइक नहीं है, बिना माइक के ही मैं सिर्फ अपने मोबाइल के माइक्रोफोन से ही करता हूँ। एक बार मैं आपको अपना सेटअप टूर दिखाऊँगा, सब देख सकते हैं कैसे वारंटी लिखा हुआ है और कैसी कुछ डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। कैसे ये कोई छोटा कैलकुलेटर है, पॉकेट कैलकुलेटर। ये पढ़ने के लिए आसान है क्योंकि, लेकिन इसमें जोड़ने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसमें घटाने का ऑप्शन है। तो जो जोड़ने का ऑप्शन चाहते थे उनको ये नहीं मिलेगा। दोस्तों अब ये लगता है उसके कुछ स्क्रीन गार्ड्स मिलेगा, अच्छा है का स्क्रीन गार्ड। फिर भी हम उसमें थोपते ही हैं टेम्पर्ड ग्लास, सॉरी वो हो प्रोटेक्टिव लेयर फिल्म जो होती है वो हम लगाते हैं उस पर। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में अब हम कुछ नहीं है, तो अब लगता है बॉक्स में ये वारंटी कार्ड है या IMEI नंबर तो नहीं लग रहा। IMEI नंबर है? नहीं, IMEI नंबर नहीं है। हाँ IMEI नंबर नहीं है, अरे बोला ना IMEI नंबर नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, आप कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, साफा देख सकते हैं अच्छे। और ये कितना स्मॉल है, इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी छोटा है। मेरे ख्याल से ये सोलर कैलकुलेटर लगता है, चार्जेबल कैलकुलेटर लगता है ये, पता नहीं। देखते हैं, इसको रिव्यू तो करना ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग है, देखते हैं कि वर्क कैसे करता है कि नहीं। 2+2 कर देखते हैं, सॉरी 2-2 होगा, 2+2 नहीं। पहले इसको कवर लगा देते हैं ताकि ये गंदा ना हो। वो तो कवर डिस्प्ले को पूरी तरीके से नहीं ढकता है, और यही है बस, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, वॉल्ट्स टीनी फ़ोन की जब अनबॉक्सिंग हो चुकी है तो वॉल्ट्स स्मार्टर की भी अनबॉक्सिंग होनी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ ऑफ़ और ऑन का ऑप्शन है, तो चलिए हम ऑफ और ऑन कर देखते हैं। ऑफ और ऑन वर्क तो ये काफ़ी अच्छे से कर रहा है दोस्तों, बटन्स भी काफ़ी अच्छे ईजिली प्रेस हो जा रहे हैं। लेकिन वही इसमें एक दिक्कत है कि इसमें प्लस और माइनस का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सभी जोड़ तो हम आसानी से भी सकते हैं। आप इसको एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और बस यही थी आज की वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और ओप्पो F7 की वीडियो ज़रूर देखें।